वो एरिया का, तो वहाँ पे है रेड लाइट एरिया। तो हर जो बड़े महासागर होते हैं, महानगर क्या बोलते हैं, महासिटी होते हैं, जहाँ वहाँ में एक रेड लाइट एरिया ज़रूर होता है। तो जो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है सलमान और मैं हूँ अभी कोलकाता में। आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं कोलकाता में हूँ, तो चलो फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कोलकाता को कुछ नज़ारे। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सुबह व्यू दिखता है, और अभी के बज चुके हैं, समझ लो ये 9 बजने वाले हैं। तो गैस आज हम चलेंगे कोलकाता एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत आसपास के एरिया के एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे सिलीगुड़ी की तरफ जो है वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, उसके बाद दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से सिक्किम, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट। तो ये कुछ एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे। और गैस हाँ, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ यार कि अभी तक मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं, जितने मैंने सोचे थे उससे डबल खर्च हो चुके थे यार, क्योंकि मैं यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लिया हूँ 2 बार। एक बार मैं रायपुर से चित्रकूट तरफ आया था छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे मैंने 500 रुपये खर्च किए थे बस के पीछे। उसके बाद फिर मैं उड़ीसा से ट्रेन किया था, तो यहाँ पे आने के लिए कोलकाता में आने के लिए, तो यहाँ पे भी मेरे 500 रुपये के आसपास खर्च हुए थे। उसके बाद जो टिकट के खर्च हुए थे ये 2, 1000 रुपये और फिर 500 रुपये के आसपास खाने पीने में खर्च हो गए थे, तो 1500 तो ये खर्चा हो गए थे। और ये ट्रिपॉड और जो माइक से आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये दो चीज़ मैंने 4000 में ख़रीदे थे, तो इसके भी मेरे पैसे खर्च हो गए हैं, तो इससे मेरे थोड़ा पैसे ज़्यादा खर्च हो गए हैं। तो अब मैं चलूँगा नॉर्थ ईस्ट तरफ, जब तो वहाँ पे मैं खुद से कैंपेन करूँगा, थोड़ा पैसे बचाऊँगा, कम खर्चे करूँगा। और हाँ, अब मैं ट्रांसपोर्ट नहीं लूँगा, ज़्यादा कोशिश करूँगा कि ट्रांसपोर्ट नहीं लूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ कोलकाता के आ रहा था तो मैं हिचहाइकिंग तो मिल रही थी, लेकिन दिन भर में सिर्फ 200 किलोमीटर की चेकिंग, तो मतलब अगर कोलकाता में पहुंचता तो 3 से 4 दिन लग जाते, क्योंकि 800-900 किलोमीटर थे। तो फिर मैं सोचा चलो एक दिन में ही 500 दे देते हैं यार, और कोलकाता पहुंच जाएंगे एक्सप्लोर करके, फिर नॉर्थ ईस्ट तरफ चले जाएंगे। तो अब आज एक्सप्लोर कर लेंगे कोलकाता को कुछ, उसके बाद यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम नॉर्थ ईस्ट तरफ चले जाएंगे। अभी सिलीगुड़ी जाएंगे डायरेक्ट, मेरा प्लान है सिलीगुड़ी जाने का, लेकिन सिलीगुड़ी जाएंगे तो 600 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन हम जब 3 दिन में पहुँचेंगे 4 दिन में पहुँचे, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेंगे, उसमें एक दिन में ही 500 खर्चा हो जाता है, तो थोड़ा बेकार लगता है। तो मैं हम हिचहाइकिंग करते हुए जाएंगे। तो और इससे पहले आप लोगों को बता दूं गैस कि अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ यह है गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो होता है वो फ्री होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग नियम है, क्योंकि कहीं कहीं गुरुद्वारा में फ्री होता है, कहीं कहीं आपको पे करने पड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर होटल में देखे थे तो यहाँ पे 300-400-350 मिल रहे थे, लेकिन गैस यहाँ पे अभी जब मैं गुरुद्वारा में आया था, पता किया था, तो यहाँ पे एक दिन का आपको 100 रुपये लग जाएंगे, और खाने में बगल में आपको मिल जाएंगे 50 रुपये, जो कि बहुत ही सस्ता खाना है। दिन भर में आप 2 टाइम खाओगे तो 100 रुपये हो जाएंगे खाने के, और 100 रुपये रहने के 200 रुपये हो जाएंगे। अगर आप होटल में रुकते हो तो 300-400 रुपये लग जाएंगे सिर्फ रुकने के लिए। तो अगर आप कभी भी कोलकाता आओ तो ये समझ लो कि आप ज़्यादा कोशिश करो कि गुरुद्वारा में आ जाओ। और ये गुरुद्वारा की अच्छी खास बात यह है कि ये बिल्कुल हावड़ा ब्रिज दिख रहा है ना आप लोगों को, ये हावड़ा ब्रिज वो ऊपर दिख रहा है, ये वाला हावड़ा ब्रिज नहीं, उसके आगे बिल्डिंग के उस पार हावड़ा ब्रिज है, और यहाँ पे पास में थोड़ा जंक्शन है, हावड़ा जंक्शन है। तो यहीं से नीचे हम जहाँ पे खड़े हैं 1 किलोमीटर दोनों आसपास होगा, तो 1 किलोमीटर के पास ही आपको यहाँ पर रुकने के लिए जगह मिल जाएगा गुरुद्वारा। तो आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये बात अच्छी है कि ऐसा नहीं है कि सिटी के बाहर है, मेन सिटी के अंदर है, और रहने के लिए भी फर्स्ट क्लास है, पूरा गद्दा है आपका, पूरा सामान सेफ्टी है, बड़ा हॉल है, मस्त एक नंबर का, आप रह के एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को कि समझ में आया होगा कि आप कभी आओ तो गुरुद्वारा में आ जाओ, कहीं कहीं फ्री होता है, कहीं कहीं पेड है। तो 100 रुपये मैं देता हूँ डेली का, 2 दिन हो गए 200 दे दिए हैं, अभी 2 दिन और रुकेंगे तो 400 देने पड़ जाएंगे मुझे। और अगर मैं यही चीज़ गुरुद्वारा में नहीं होटल में करता तो 1 दिन के 400 देने पड़ते। तो फिलहाल ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रुके थे। अब यहाँ पे क्या है, कोलकाता सिटी इतनी बड़ी सिटी है, तो मैं यहाँ पे कहीं पे कैंपेन तो कर नहीं सकता, इसलिए मैं गुरुद्वारा लेना पड़ा। तो सो फाइनली गाइस, मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गुरुद्वारा का रूम का टूर करा देता हूँ, जो 100 रुपये आप में आप लोगों को देखो कितना मस्त मिल जाएगा। मैंने वो वहाँ पर अपना सामान रखा है, वहाँ पर हमने स्टे किया है, तो लाइन से पूरा सब बना रहता है, और आओ 100-100 रुपये में अपना अपना एक एक जगह, मतलब आपको आराम करने के मिल जाएगा, बैग देखने के लिए मिल रखने के लिए मिल जाएगा, और सब लेटे हुए हैं। यहाँ पे आपको लॉकर मिल जाएगा, और यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे नहाने धोने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे फ़िलहाल 100 रुपये में अगर इतना भी बुरा नहीं है, होटल में जाओगे तो 300 रुपये के आसपास मिलेगा। एक्सप्लोर करने से पहले सीधा चलेंगे, पहले हम खाना खाएँगे, और खाना खा लेंगे तो फिर हमको क्या होता है कि घूमने में अच्छा लगता है, क्योंकि जब अगर खाना नहीं खाएँगे ना तो चलने के लिए भी प्रॉब्लम होता है, अच्छा नहीं लगता। तो ज़्यादा बड़ा बैग नहीं है, तो
अच्छा लग रहा है और ये दूसरी मंजिल पे, तो हमको पहले फर्स्ट मंजिल पे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहीं में पास में चाइनीज का होटल है, वहीं पे चलते हैं खाना खाते हैं। यार हम जहाँ पे आए थे खाना खाने के लिए, पीछे देखो आप ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमने कल खाना खाया था, लेकिन आज का ये हाल है कि यहाँ पे होटल ही बंद है यार, 10 बज गए हैं लेकिन बंद है। तो देखते हैं कोई और सा होटल छोटा मोटा। यहाँ पे चाइनीज में कल अच्छा फूड मिल रहा था, 50 रुपये में कल नूडल्स दिया था भाई, पेट भर गया था यार, तो मैं सोचा आज भी आ जाऊँगा तो ठीक है, लेकिन बंद था यार। अब देखते हैं कोई अच्छा दूसरा रेस्टोरेंट, वहीं पर खा लेंगे यार, 50 रुपये में ठीक ठाक था नूडल्स। क्राउड भी बहुत रहता है यार यहाँ पे। अंकल जी नाश्ता मिलेगा, खाना खाना तो बस। बहुत चलने के बाद फिर मुझे एक होटल मिला है, और यहाँ पे क्या है कि सुबह सुबह ज़्यादा होटल ओपन नहीं रहते यार, क्योंकि सुबह सुबह पता नहीं अभी 10 बजने वाले हैं, फिर भी बहुत सी जगह होटल ओपन नहीं है। मैं 40 ढाबा में कल खाया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा नहीं था, 40 रुपये में 50 रुपये में पेट भर जाता है। यहाँ भी एक बार मैं खाया हूँ, तो मैंने सोचा चलो बटरे मार को वहीं पे जहाँ पे मैंने खाया था, तो यहीं पे आया, तो यहाँ ओपन था, सुबह ओपन हो जाता है, कहीं कहीं ओपन होता है, कहीं कहीं जगह नहीं ओपन होता। के जी में कि पीस में? पीस का हिसाब है 2 पीस 60 रुपीस, 2 पीस 60 रुपये का। हाँ, 1 पीस 30 का। 1 पीस नहीं मिलता, 2 पीस। 2 पीस कितने बड़े हैं? देखा दे रहा, बैठो ना, जाओ दे रहे, आइए। फ्राई चिकन, फ्राई 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 अभी नहीं होगा, फ्राई कच्चा हो जाएगा। ये गरम है? हाँ, अभी तो बना है, एक घंटा आ गया। गरम किधर है? बोले यार गरम कर, चावल गरम है, दाल गरम है, सब ठीक है। आइए ना, मतलब 2 पीस 60 रुपए के हैं और ये 40 का है, तो 100 रुपए का बिल बन जाएगा एक टाइम। लेकिन खाना भी तो अच्छा खाना चाहिए ना भाई, क्योंकि नहीं खाएगा तो कैसे चलेंगे। तो ये चिकन है और ये अपना क्या बोलते हैं उसको, चावल दाल, तो उसको ट्राई मारते हैं खाते हैं इसके। सो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है, और खाने का प्राइस हमको पड़ा था 100 रुपये का। 100 रुपये वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है अगर एक टाइम में खाना खाया जाए, क्योंकि बजट ट्रैवल के लिए बहुत ही ज़्यादा है और नॉर्मल के लिए नहीं है, तो 100 रुपये ठीक ठाक ही था, क्योंकि खाना अच्छा था, लेकिन चिकन अच्छा नहीं था, चिकन में फंस गया, वो 60 रुपये एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया। इससे पहले मैंने जो चिकन खाया था MP में, वहाँ पर भाई मैंने चिकन खा लिया था, मुझे 2 दिन मेरे तबीयत ख़राब हो गया था, फिर मैं सोचा कि अब नहीं खाऊँगा चिकन, लेकिन फिर खा लिया यार, 15 दिन से नहीं खाया था ना, इसलिए थोड़ा अच्छा अजीब लग रहा था। एक बात है, शहर में ब्लॉगिंग करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि तुमको कोई देखता नहीं है, कौन क्या कर रहा है कोई बंदे से मतलब नहीं है, ये होता है। पीछे देख लो आप लोग, ये है कोलकाता का जो फेमस टैक्सी, यहाँ की पीली कलर की टैक्सी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है और जो यहाँ की फेमस चीज़ है ना, और जो मुंबई के फेमस है वो है इसी, यही टैक्सी ब्लैक कलर की आती है, लेकिन यहाँ के कोलकाता की पीली कलर की आती है। तो ये था कुछ नज़ारा, और सामने आप लोगों को दिखाता हूँ हावड़ा ब्रिज, जो कि 7 अजूबे में से कोई अजूबा नहीं है, लेकिन मेरा मानो तो ये भी एक अजूबा ही है। तो देखो कुछ इस तरीके से नज़ारा, यही है हावड़ा ब्रिज जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर सिटी में ज़्यादा किधर आ गया यार, मैं बात करते करते उल्टा चला आया यार, तो मुझे ऊपर जाना था, मैं इधर चला आया। अभी आप लोगों को नीचे से चल के दिखाता हूँ, यहाँ से आगे चलेंगे नीचे की ओर, और यहाँ से थोड़ी दूर पे ही समझ लो हावड़ा जंक्शन है यार। ये देखो यहाँ पे सारी बसें हैं ना, चारों तरफ इतनी भीड़ रहती है कि अगर आप आओगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, अपने पॉकेट को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया था तो भाई साहब मेरे कोई जेब ही पीछे से खोल रहा था, बैग का चैन खोल कर पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, पैसे तो मेरे जेब में थे, लेकिन वो सोच रहा था कुछ सामान निकाल के चोरी कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे वो टच किया वैसे मुझे मालूम चल गया, मैं उधर देखा वो फटाक से भाग गया। तो ये होती है सिटी की चीज़ें, तो भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है, और दोपहर में इतना ज़्यादा गर्मी होता है यार यहाँ पे कि ब्लॉगिंग करने का अभी मन नहीं करता। देखो अभी मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं 2 दिन से यहाँ पर बैठा हूँ, रात में इतना ज़्यादा यहाँ पर ठंडी हो जाता है, और सुबह एकदम 5-6 बजे इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन दोपहर में दिन इतना ज़्यादा गर्मी होता है भाई, इतना ज़्यादा गर्मी होता है पता पूछो मत। तो अभी चलते हैं नीचे से, इसको बाइकट करके देखते हैं, उधर का कुछ लोकल मार्केट देखेंगे हम। बातें भी बहुत कर ली यार, 10 मिनट का वीडियो बन गया एक ही बार में लगते हैं देखो कितने ज़्यादा भीड़ है यार।
और अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखो बाथरूम करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये होती है सिटी तो है ये। और इधर भी देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यार। तो मुझे ना मुझे उधर उधर से भी जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है यार, क्योंकि मुझे जाएगा तो भाई पॉकेट मार देगा यार कोई। ये देखो क्या चीज़ है ये, वो कुछ नहीं है ये सब, इधर थोड़ा झूला मत, आवाज चलता है ना ये वाला। कितने का है? 90। अभी 80 बोला। 80 दीजिए दीजिए, हाँ दीजिए दीजिए, 80 दीजिए। 50। अरे अंकल 50 ले लो। कैसा लग रहा है यार बताओ एक बार कमेंट्स में, अच्छा लग रहा है? ये मास्क 10 का और ये 50 का, ये टोपी 50 का, 60 रुपये। इतना महंगा दे रहा हूँ अंकल, ये पुराना कोई महंगा नहीं है बाबू, कोई महंगा नहीं है। हमने टोपी ले लिया है और ये टोपी अंकल जी बोले 60 रुपए की, तो ठीक है यार। अभी ये इससे क्या होगा कि हमारा जो मेन काम है ना हिचहाइकिंग लिफ्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये टोपी लगेगा तो टूरिस्ट आदमी लगता है, टूरिस्ट वाले को फिर लिफ्ट दे देते हैं, नहीं तो जब तक टोपी नहीं था ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी यार, लिफ्ट ही कोई नहीं दे देता यार, ऐसा हो रहा था। अंकल 100 रुपये दे रहे, नहीं 100 रुपये दे रहे, यही है ना। तो भाई तुम्हारे भाई ने कोलकाता में खरीद लिया एक चश्मा और इसको देखते हैं। वो जो दिल्ली से खरीदा था ना यार, वो इतना बेकार चश्मा था भाई, इतना बेकार था, 2 दिन में उसके स्क्रैच आ गया, उड़ गया कलर। अभी अपना भाई ये लगाएगा तेरा भाई, ठीक है। मास्क टोपी भी ले लिया, 160 रुपये हो गए भाई मेरे खर्चे अभी। ये ग्लास लगाने से क्या होता है पता है, अगर तुम धूप में भी भागोगे ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, भागते जाओ चलते जाओ, असर नहीं पड़ेगा, मालूम नहीं चलेगा कि तुम धूप में चल रहे हो कि छाँव में। टोपी लगा लो और इसको लगा लो मस्त। तुम्हारा भाई का एक तमन्ना ये था कि कोलकाता जाए और हावड़ा ब्रिज को देखे, तो फिलहाल मैं यहीं पर आ गया हूँ और खड़ा भी हूँ। और मेरे थ्रू आप लोग भी देख लो यार, यही है जिसकी लोग बोलते हैं 7 अजूबा में, एक अजूबा तो नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि ये भी एक अजूबा ही है, क्योंकि इतने बड़े पुल में एक भी टोपी नहीं लगा, एक भी चीज़ नहीं लगा कि जिससे बीच में रुका जा सके। ये है इसकी काबिलियत, इसकी तारीफ की मुख्तलिफ। तो सामने देखो ये पूरा समंदर जैसा दिख रहा है और यहाँ पे बोर्डिंग भी आप कर सकते हो गैस सामने, ये यहाँ से अभी वहाँ पे चलेंगे और उसका नज़ारा देखेंगे, आपको दिखाएंगे नीचे एक भी चीज़, एक भी पुल का टोपी नहीं लगा है, एक भी सपोर्ट नहीं लगा है ऐसा बोलते हैं। वहाँ पर आप लोगों को लेकर चलेंगे, वो वहाँ पर उधर से फिर आप लोगों को बताएंगे इसका नज़ारा दिखाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है भाई लोकल मंडी जो है सब्जी का मंडी, ये ब्रिज से उतरेंगे डायरेक्ट और यहाँ से बस डायरेक्ट हो जाता है। और ये मंडी लगता है सुबह, यार मैं आया था एक बार सुबह में तो यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल उतना नहीं लगा है, सब ख़त्म हो गया यहाँ पर। और मंडी ये है यहाँ का लोकल मंडी, समझ लो जैसे मंडी लगता है ना सब्जी का मंडी, तो कुछ इस तरीके से मंडी दिख रहा है यार। तो चलो एक भी और एक्शन पूरा हो गया भाई कि अपना ब्लॉगिंग हो गया भाई, वो वहाँ का पब्लिक रिएक्शन, तो ये पब्लिक रिएक्शन का ब्लॉगिंग है। पब्लिक के बीच में ब्लॉगिंग करना बहुत ही कठिन होता है यार, लेकिन हम तो कर लेंगे यार, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कर लेते हैं। अब देखेंगे ब्रिज है, ऊपर ब्रिज है यार ऊपर, फिलहाल सामने की तरफ देखो यार बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है आगे कुछ है भी कि नहीं है। अरे बाप रे इतना बास मार रहा है, अरे बाप गाइस देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा कचड़ा, इतना ज़्यादा बास मार रहा है यार कि तुम महसूस नहीं कर सकते भाई। मैं लगा लिया हूँ मास्क और यहाँ पे इतना ज़्यादा बास मार रहा है भाई, यहाँ पे इतना ज़्यादा बास मार रहा है कि तुम इसको महसूस नहीं कर सकते, मास्क लगा के जाना पड़ेगा यार। देखो ये कचरा इतना गंदगी है यार यहाँ पे, कोलकाता की गंदगी है यार, ये मंडी है मंडी, बिना मास्क लगाए यहाँ से नहीं चल सकते। गाइस देखो यहाँ पे ये मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा पड़ी हैं यार, यहाँ पे भगवान जी की मूर्ति है जो देखो कितनी ज़्यादा पड़ी हैं आप देखो,
ये मूर्ति देखो ऐसे कचरे में पड़ी हुई है मूर्तियाँ यहाँ पे। और जो हम आप लोगों को दिखाने आए थे यहाँ पे हावड़ा का जो साइड से नज़ारा, वो अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ से। देखो गाइस ये है पूरा हावड़ा का जो नज़ारा जो हम देखने आए थे, ये मेरे हिसाब से आधा किलोमीटर में होगा यार, आधा किलोमीटर से थोड़ा सा कम नहीं तो आधा किलोमीटर तो है। वो वहाँ से स्टार्ट है यहाँ अंदर तक जाता है। देखो एक भी चीज़ आप लोगों को टेवकी नहीं लगा होगा, सपोर्ट के लिए आपको एक चीज़ भी नीचे नहीं दिख रहा होगा। ये है इसकी काबिलियत और इसकी तारीफ। और उससे उसके ऊपर आगे भी देखोगे तो शायद तुमको एक और ब्रिज देखने के लिए मिलेगा, वो वहाँ पे देखो। लेकिन वो हावड़ा नहीं है, हावड़ा कौन सा है, ये हावड़ा ये वाला है। तो आप लोग इसको देखो, यही है हावड़ा ब्रिज। तो गैस यहाँ पे देखो पब्लिक कितनी ज़्यादा चलती है। इधर से मोबाइल में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों को तो मैं शायद दिखाया था वहाँ पे। तो देखो नाव चलती है यहाँ पे, आप बोर्डिंग कर सकते हो। पीछे हमारे स्नान कर रहे हैं सब, ये भी समझो गंगा है, गंगा के जैसे लोग मानते हैं। पानी तो गंदा है लेकिन नहाते सब है, पानी पीते भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे किनारे किनारे क्या होता है कि पंडित लोग होते हैं, वहाँ पे आपका मुंडन करेंगे, मुंडन भी होता है यहाँ पे, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। आपको बताना था यार, जिसके वजह से आप यहाँ पे आए हो, रेड लाइट एरिया है ना डिस्ट्रिक्ट, तो उसके बारे में आप लोगों को साथ शेयर कर दूँ। तो पहले बैठ जाता हूँ उसके बाद बात करते हैं ना। तो सो गाइस आप हमारे पीछे देख रहे हो, यहाँ से जिधर से मैं इंटर हुआ था यहाँ से आपको एक सड़क दिखेगी सामने की ओर, जो पीछे सीधा उधर के लिए जाएगी, ठीक है, उधर से पीछे जाएगी। यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ेगा सोनागाछी ऐसे कुछ है नाम वो एरिया का। तो वहाँ पे है रेड लाइट एरिया। तो हर जो बड़े महासागर होते हैं, महानगर क्या बोलते हैं, महासिटी होते हैं, वहाँ में एक रेड लाइट एरिया ज़रूर होता है। तो जो सबसे कोलकाता का, इंडिया का जो सबसे टॉप सिटी है कोलकाता, यहाँ भी सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। ये मान लो कि हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरा एशिया, श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, पूरा हिंदुस्तान ले लो, यहाँ में जितने भी रेड लाइट एरिया है ना, सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, बड़ी क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो रेड लाइट एरिया अपना कोलकाता में है। तो ये मैं आप लोगों को कुछ जानकारी के रूप में बता रहा हूँ, फिलहाल मैं आप लोग को एग्जिट नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर जाए इन्जॉय करें, वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बस मैं आपको फैक्ट के थ्रू बता रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाएँ और वहाँ पे बीमार होने का या बीमारी का, किसी बीमारी का आप शिकार हो जाएँ। अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप जाएँगे वहाँ पे तो आप बीमार हो जाएंगे, मतलब ऐसी बीमारी शिकार हो जाएंगे जो शायद आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 11,000 से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर काम करते हैं, ऐसा हमने गूगल के फैक्ट में पढ़ा था। फिलहाल मेरा बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को एक जानकारी देना है, और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इधर से आप जा सकते हैं, 4 किलोमीटर पड़ता है, और ये हावड़ा ब्रिज से, ये हावड़ा ब्रिज आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ेगा। मैंने नेट पे सर्च किया है, सर्च इसलिए किया कि क्योंकि मुझे जानकारी हो इसलिए मैंने सर्च किया। जा सकते हैं सोनागाछी, वहाँ पे आप नज़ारा देख सकते हैं और बाकी जो करने वो कर सकते हैं फिलहाल। तो और अगर आपको यहाँ पर रुकना है कोलकाता में, आपको अगर घूमना है, मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कराया है, तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो जहाँ पे मैं रुका हूँ वहाँ पे गए 100 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा, रूम नहीं बल्कि समझ लो ये कि आपको एक अपना घर जैसा मिल जाएगा। होटल में जाओगे तो 300-400 से मिलेगा, मैं यहाँ पे 3 दिन हूँ, 300 रुपया दिया हूँ अभी तक, और खाना पीने का 50-50 दिन कम हो जाता है, मतलब डेली का 200 खर्चा आता है अगर हम घूमेंगे नहीं तो, खाने पीना रहने का 200 रुपये, अगर हम होटल में रुकते हैं तो 500-600 रुपये आ जाता है, 3 दिन में तो 1500-2000 खर्चे हो जाते हैं, लेकिन अभी तो मेरे 500 भी नहीं खर्च हुए ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिलहाल ठीक है गैस, ये लोग आज के यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मैंने आप लोगों को रूम बता दिया, यहाँ का एक्सप्लोर करा दिया कि स्टेशन कहाँ पड़ता है, हावड़ा ब्रिज कहाँ पड़ता है, यहाँ का रेड लाइट एरिया जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पड़ता है, इसके बारे में बता दिया। तो बस आज के लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके।